आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। राजस्थान के चित्तौड़ जिले की 20 वर्षीय युवती की अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा गौरी को नीमच के निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। बाद में उसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां दो चिकित्सकों के पैनल में मृतिका का शव परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया गया और उसके बाद मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जाँच प्रारंभ की है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंतर्गत आने वाले कनेरा थाना के गांव मिलाना निवासी 20 वर्षीय युवती गौरी बाई पति राहुल अहीर की मंगलवार को अचानक तबियत खराब हो गई, जिससे पहले कनेरा स्थित शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे नीमच रेफर किया गया। परिजनों द्वारा गौरी को नीमच के निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। बाद में उसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां दो चिकित्सकों के पैनल में मृतिका का शव परीक्षण कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जाँच प्रारंभ की। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार गौरी पति राहुल अहीर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मिलाना के पेट में अचानक दर्द उठा, जिसे परिजनों द्वारा कनेरा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे नीमच निजी हॉस्पिटल भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान आज उसने दम तोड़ दिया। परिजन उसे मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाए थे, जहां चिकित्सकों के पैनल में मृतिका का शव परीक्षण कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मर्ग कायम कर परिजनों के दिए गए बयान के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।